नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों के आकलन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको जो शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनसे परिचय आपको करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और साथ में मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूँ और उचित प्रक्रिया के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ जानकारी, जिससे कि आपका कार्य आसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, परिचित होते हैं उन दिशा निर्देशों से जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। संपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी के लिए हमें परिचित होना होगा इस आदेश से, जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। उसकी तिथि आप यहां देख सकते हैं कि कौन से तिथि को यह जारी हुआ है, मतलब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहा हूं साथियों। अब इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में यह परिपत्र लिखा गया है। इसमें हमें आगे क्लियर किया जा रहा है, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से गत सत्र की भांति इस सत्र में भी बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 3 के क्रम में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम अनवरत चलाया जा रहा है। साथियों, आपको पता है कि गत सत्र से ही हमारे सभी राजकीय विद्यालय में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम से आप भली भांति परिचित हैं जितना मैं जानता हूं। तो ये कार्यक्रम अनवरत चलाया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन संबंध में संचालित सत्र 2023-24 हेतु आकलन एवं अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं। आकलन के संबंध में जो हमें यहाँ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए बताया है, हमें यहाँ जा रहा है कि समय सेव असेसमेंट हमें लेना है, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे कहते हैं। उसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त, आपको परख भी लेना है, विद्यार्थियों की परीक्षा भी लेनी है, उसके अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए आर के एसएमबी के तहत आकलन किया जाएगा। जैसा कि हम पिछले सत्र में भी हमने किया है, उसी प्रकार आर के एसएमबी के आकलन जो विद्यार्थियों का 3 से 8 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उनका आकलन होगा, और कौन कौन से विषयों का होगा, गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी का होगा। अब जो आकलन होगा उसका टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ बताया जा रहा है। कक्षा 3 से 4 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथम परख आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे एक विद्यार्थियों का होगा, वो कब होगा, 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को होगा। द्वितीय परख विद्यार्थियों का इसमें आयोजित नहीं होगा। आर के एस एम बी के एक जो 3 सब्जेक्ट का होगा वो कब होगा, 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को हो जाएगा आयोजन। उसके बाद एसए 2 की हम बात कर लेते हैं कि एसए 2 और आर के एस एम बी के 2 एक साथ ही विद्यार्थियों का आयोजित होगा, वो होगा 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य आपका आयोजित होगा। एसए 3 या आर के एस एम बी के 3 की हम बात कर लेते हैं तो वो कब होगा, 3 विषयों का आर के एस एम बी के तथा सभी विषयों का एसए 3 8 से 25 अप्रैल 2024 होना चाहिए। साथियों, यहाँ 23 लिखा गया है, आदेश में मिस प्रिंट है, तो 2024 आप इसे रीड करिएगा। तो 8 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य आपको आर के एस एम बी के 3 या ऐसे 3 विद्यार्थियों का कक्षा 3 से 4 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उनका आपको ले लेना है। अब कक्षा 5 की हम बात कर लेते हैं, तो कक्षा 5 में प्रथम परख आयोजन नहीं होगा। ऐसे 1 की जो बारी आती है वो आर के एस एम बी के आकलन के साथ 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को आयोजित होगा। द्वितीय परख विद्यार्थियों का आयोजन कक्षा 5 में नहीं किया जाएगा। आर के एस एम बी के आकलन जो 3 सब्जेक्ट का होगा उसकी तिथि हमें यहाँ बताई जा रही है 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 रहेगी। ऐसे 2 या आर के एस एम बी के 2 जो दोनों साथ में होंगे वो कब होंगे, 11 से 23 दिसंबर के मध्य आयोजित होंगे। उसके बाद ऐसे 3 आर के एस एम बी के 3 जो कक्षा 5 चुका है वो नहीं होगा,
कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होगी। अब कक्षा 6 और 7 की हम बात कर लेते हैं, तो प्रथम परख जो विद्यार्थियों का है वो पूर्ण हो चुका है, उसे हमने शिविरा पंचांग में जो निर्धारित तिथियां उनके अनुसार ले लिया है, तो हमें यहाँ प्रथम परख पूर्ण बताया जा रहा है। ऐसे एक हमें नहीं लेना है, द्वितीय परख आपको कब लेना है, 6 से 7 का 19 से 21 अक्टूबर के मध्य आपको ले लेना है। आर के एस एम बी के आकलन एक आपको कब लेना है, 2 से 4 नवंबर 2023 के मध्य आपको ले लेना है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा और आर के एस एम बी के 2 आपको कब लेना है, तो 11 से 23 दिसंबर के मध्य आपको ले लेना है। और जो आर के एस एम बी के 3 आकलन होगा और ऐसे 3 होगा, उसके लिए आपको यहाँ निर्देशित किया जा रहा है 3 विषयों का आर के एस एम बी के तथा सभी विषयों का ऐसे 3 आपको 8 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य आपको ले लेना है। अब हम बात करते हैं कक्षा 8 की, तो कक्षा 8 में आपको प्रथम परख आपका पूर्ण हो चुका है, उसके बाद ऐसे 1 आपको नहीं लेना है। द्वितीय परख आपको कब लेना है, वही तिथि रहने वाली है जो कक्षा 6 से 7 की है, जैसे 19 से 21 अक्टूबर के मध्य आपको ले लेना है। आर के एस एम बी का आकलन कब होगा, 2 से 4 नवंबर 2023 के मध्य आपका हो जाएगा। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा और आर के एस एम बी के आकलन 2 जो होगा वो 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य हो जाएगा। और एस ए 3 या आर के एस एम बी के 3 जो है वो कक्षा 8वीं का नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 8वीं की जो है वो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होगी। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 1-2 के आकलन की, क्योंकि हमने जो आर के एस एम बी के जो हमारा चलाया जा रहा है वो कक्षा 3 से 8 तक चलाया जा रहा है, तो 3 से 8 में तो हमने जो टाइम फ्रेम भी देख लिया, कैसे हमें परीक्षा लेनी है, सब कुछ हमें बता दिया गया है। परंतु कक्षा 1-2 के लिए हमें यहाँ निर्देशित किया जा रहा है कि आर के एस एम बी के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए प्रत्यक्ष कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। मतलब आर के एस एम बी के जो चल रहा है हमारा, उसमें कक्षा 1 और 2 का आकलन नहीं होगा। अतः पूर्वतः सत्रों 2019-20 एवं पूर्व की भांति शिविरा में निर्धारित तिथियों पर समय से असेसमेंट ही करवाया जाएगा। मतलब कक्षा 1 और 2 का जो हमें क्या करना है, ऐसे लेना है, और ऐसे कब लेना है, जो शिविरा पंचांग में तिथियां हमें बताई गई है उसके अनुसार ही हमें ऐसे ले लेना है। अब अंक योजना क्या रहने वाली है, तो वो आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। अंक योजना ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। आपको जो विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है वो विद्यालय स्तर पर ही तैयार करना है, तथा उस प्रविष्टि जो है आपको पूर्वतः ही शाला दर्पण पर की जानी है। जैसे कि पहले आप शाला दर्पण पर प्रविष्टि करते आ रहे हैं, वैसे ही आपको प्रविष्टि करनी है। अब कक्षा 3 से 8 के आकलन परीक्षा संबंध में आपको यहाँ विस्तृत और जानकारी दी गई है। जो टाइम फ्रेम मैंने आपको वहाँ बताया, वही टाइम फ्रेम आपको यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ जो मुख्य बिंदु है वो आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम तथा द्वितीय परख शिविरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों पर ही किया जाना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी है उनका प्रथम और द्वितीय परख जो होगा वो शिविरा पंचांग के अनुसार ही होगा, परंतु शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाएगा। तृतीय परख का आपको आयोजन कब करना है वो तिथियां आपको यहाँ बता दी गई है। यहाँ आपको क्लियर किया गया है कि 3 विषयों का आर के एस एम बी के तथा सभी विषयों का ऐसे आपको 3 जो लेना है वो 8 से 25 अप्रैल के मध्य आपको लेना है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है जो आपको यहाँ बिल्कुल बोर्ड कलर में बताई हुई है। अब 9 से 12 की हम बात करते हैं, तो कक्षा 9 से 12 के लिए प्रत्यक्ष कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिविरा पंचांग 2023-24 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्वत सत्रों की भांति, जैसे 2019-20 और उससे पहले की भांति परीक्षाएं आपको करवानी है। अंक योजना ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार होगा, जो 9 से 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब आपको यहाँ पर आगे जो जानकारी दी जा रही है इस आदेश में, मैं मुख्य मुख्य बिंदु साथियों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आर के एस एम बी के सम्मिलित करने के बाद अंक बार आपका क्या रहने वाला है, तो वो अंक बार आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। कक्षा 1 और 2 की बात करें तो प्रथम परख में आपको कोई अंक नहीं रहेंगे, ऐसे 1 में भी अंक नहीं रहेंगे, आपको ग्रेड देनी है। द्वितीय परख में आपको कक्षा 1-2 के लिए अंक नहीं है। उसके बाद आर के एस एम बी के आकलन इन विद्यार्थियों का होगा नहीं, कक्षा 1-2 का केवल आपको ग्रेडिंग करनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा या जिसे हम कह सकते हैं कि एस ए 2 हमें लेना है कक्षा 1-2 का, उसमें हमें ग्रेड देनी है, और एस ए 3 में भी हमें ग्रेड देनी है। कक्षा 3 से 4 में जो है प्रथम परख नहीं होगा विद्यार्थियों का, एस ए 1 होगा, उसमें हमें ग्रेड देनी है, और द्वितीय परख नहीं होगा,
आरकेएसएमबी का आकलन जो होगा कक्षा 3 और 4 का, उसमें भी ग्रेड आएगी। और आरकेएसएमबी के आकलन 3 जो, या क्षमा करें साथियों, 2 जो होगा उसमें भी ग्रेड आएगी। ऐसे 2 में भी हमें ग्रेड देनी है और ऐसे 3 में भी हमें वही ग्रेडिंग प्रणाली अपनानी है। मतलब कक्षा 1 से 5 तक हमें कोई नंबर नहीं देना है, हमें जो है वो ग्रेडिंग प्रणाली हमें बताई गई है तो ग्रेड देनी है। कक्षा 5वीं में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, यहाँ हमें जो वार्षिक जो परीक्षा रहेगी विद्यार्थियों की, या यूं कहते हैं, कह सकते हैं हम कि जो बोर्ड परीक्षा रहेगी उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो 20 अंक निर्धारित है आपको 20 अंक देने होंगे, जिसे आप पहले देते आ रहे हैं वही प्रक्रिया रहने वाली है। अब कक्षा 6 और 7 की हम बात कर लेते हैं, तो प्रथम परख 10 अंक का होगा, उसके बाद द्वितीय परख भी 10 अंक का होगा। आर के एस एम बी के आकलन जो विद्यार्थियों का होगा वो 1 जो होगा उसमें आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि वो 15 नंबर का होगा, ये अलग से इसमें प्रावधान है, तो 15 नंबर का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा या आर के एस एम बी के आकलन के संबंध में हमें यह जानकारी दी गई है, तो 6 से 7 के लिए हमें विस्तृत जानकारी दी गई है, ये 65 नंबर की होगी, जिसमें से 15 नंबर आर के एस एम बी के 2 के रहेंगे, 50 नंबर हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें से 10 अंकों का मौखिक एवं 40 अंकों का लिखित परीक्षा आपको लेनी है। मतलब 15 नंबर आपको किसके रखने हैं, आर के एस एम बी के आकलन के रखने हैं, उसके बाद आपको 50 जो अंक होंगे उसमें से 10 नंबर की मौखिक होगी और 40 नंबर की आपको लिखित परीक्षा लेनी है। अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों का अर्धवार्षिक जिसमें से 15 अंकों का मौखिक एवं 65 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। तो अब आपको यहाँ क्लियर हो चुका है कि 6 से 7 के लिए अंकबार क्या रहने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा या आर के एस एम बी का आकलन जो 2 होगा उसमें। चलते हैं हम आर के एस एम बी के 3 या वार्षिक परीक्षा की ओर। तो वार्षिक परीक्षा जो होगी वो टोटल अंक कितने रहेंगे कक्षा 6 से 7 के, वो 100 अंक रहेंगे। 100 अंक में से 30 अंक आपको आर के एस एम बी के तहत देने हैं। उसके बाद 70 अंक जो रहेंगे वो हिंदी अंग्रेजी गणित वार्षिक जिसमें 15 अंकों का मौखिक एवं 55 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। मतलब 15 अंक आपको मौखिक के देने हैं और 55 अंकों का आपको लिखित परीक्षा लेना है। कौन कौन से सब्जेक्ट की लेना है, अंग्रेजी गणित और हिंदी की आपको लेना है। टोटल 70 में से इनकी मार्किंग होगी। अन्य विषयों की हम बात करें तो अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर से, जिसमें से 20 अंकों का आपको मौखिक एवं 80 अंकों का आपको लिखित परीक्षा लेनी है। अब कक्षा 8 की ओर हम आ जाते हैं, तो यही प्रथम परख कक्षा 8 में भी जो है वो 10 अंकों का ही होगा, द्वितीय परख भी 10 अंक का ही होगा, और जो आर के एस एम बी के आकलन 1 है वो रहेगा 15 अंकों का। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा या आर के एस एम बी के 2 हम जिसे कह सकते हैं वो रहेगी टोटल 65 नंबर की, तो 65 में से 15 अंक जो रहेंगे वो आर के एस एम बी के 2 के रहेंगे, और 50 अंक जो रहेंगे वो हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक जिसमें से 10 अंकों का मौखिक एवं 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। अन्य विषय के संबंध में यहाँ हमें जानकारी दी जा रही है, अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों का जिसमें से 15 अंकों का मौखिक एवं 65 अंकों का लिखित परीक्षा आयोजित होगी। कक्षा 8वीं की ये हम बात कर रहे हैं। और अंतिम जो मूल्यांकन कक्षा 8 का आएगा उसमें बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, सिर्फ हमें आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर देने हैं, जो पहले हम देते आ रहे हैं उसी तरह से हमें अंक देने हैं। अब कक्षा 1-2 की हम बात करें तो यहाँ आर के एस एम बी के तहत कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, अतः आपको पूर्व सत्रों की भांति ही समेसिव असेसमेंट लेने हैं और ग्रेडिंग प्रदान करनी है। कक्षा 3 से 5 के संबंध में जो मुख्य दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं वो मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ। 8A ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु ऐसे 1 जो कि आर के एस एम बी के आकलन के साथ विद्यालय स्तर पर ही करवाया जाना है, मैं पूर्वानुसार ही ग्रेड प्रदान आपको करनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब आर के एस एम बी के आकलन के जो पेपर होंगे वो आपको अलग से नहीं दिए जाएंगे, आपको विद्यालय स्तर से ही तैयार करने होंगे ऐसे 1 के साथ, आपको यहाँ आदेश में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमें क्लियर नहीं किया गया है कि विभाग द्वारा हमें जो आर के एस एम बी के आकलन पत्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। तो जैसा कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ उससे यही प्रतीत होता है
कि जो आरकेएसएमबी का आकलन एक होगा उसमें हमें जो प्रश्न पत्र तैयार करने हैं विद्यालय स्तर से ही करने हैं, ये मेरे अनुसार मैं कह रहा हूँ साथियों, परंतु आप विभागीय आदेश का की पालना कीजिए। मैं केवल आपको वीडियो में मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको जो विभाग द्वारा आकलन पत्रक उपलब्ध करवाए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है जो मुख्य बिंदु है, आर के एस एम बी के आकलन 2 के साथ एस ए 2 करवाया जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आर के एस एम बी के जो आपका आकलन 2 होगा उसी के साथ एस ए 2 भी हमारा होगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के आर के एस एम बी के आकलन जो पत्रक है विभाग द्वारा, आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि आकलन 2 के जो पत्रक है आपको विभाग द्वारा तथा एस ए 2 पत्रक विद्यालय स्तर पर ही तैयार करना होगा। मतलब जो आर के एस एम बी का आकलन 2 होगा उसमें जो हमें पत्रक मिलेंगे वो विभाग द्वारा मिल जाएंगे, और एस ए 2 के कार्य पत्रक तो जो है हमें विद्यालय स्तर पर ही तैयार करने होंगे। तो इसी तरह मैं इसीलिए कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ एस ए 1 के जो पत्रक हमें हो सकता है कि विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाए, इस आदेश से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यदि आप मुझसे ज्यादा जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या जो आर के एस एम बी का आकलन होगा हमारा विद्यार्थियों का प्रथम, उसमें क्या हमें विभाग द्वारा कार्य पत्रक उपलब्ध करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, ये जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। बात कर लेते हैं साथियों हम शाला दर्पण पर अंक अथवा ग्रेड की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में। हमें यह निर्देशित किया जा रहा है कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। मतलब जैसे हम पिछले सालों में हमने जो कक्षा 1 और 2 की जो ग्रेडिंग है वो शाला दर्पण पर प्रविष्टि की है, उसी प्रकार इस वर्ष भी जो ग्रेडिंग ऐसे में हम विद्यार्थियों को देंगे उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर हम करेंगे कक्षा 1 और 2 की, और कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए भी वही नियम रहेगा, जो हम ऐसे लेंगे विद्यार्थियों का उसकी प्रविष्टि हमें शाला दर्पण पर करनी है, तथा आर के एस एम बी के आकलनों की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब आपको जो आप आर के एस एम बी के ऐप से जो आकलन लेंगे वो आकलन के साथ जो आप ग्रेडिंग कक्षा 3 से 5 की ऐसे की करेंगे शाला दर्पण पर, दोनों का डेटा सिंक कर दिया जाएगा और विद्यार्थी का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा या होलिस्टिक कार्ड बनेगा उसमें सारी जो आप ऐसे की ग्रेडिंग भी जुड़कर आ जाएगी, और जो आर के एस एम बी से हम आकलन लेंगे ऐप के माध्यम से वो ग्रेडिंग भी उसमें जुड़कर आ जाएगी। मतलब आपका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा शाला दर्पण से ही। उसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए हमें जो निर्देशित किया जा रहा है, तो कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों की परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, तथा आर के एस एम बी के आकलनों की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से ही होगी, और सामाजिक विज्ञान तथा जो विज्ञान है हमारा और तृतीय भाषा है उसका अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पोर्टल पर ही किया जाएगा। मतलब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कक्षा 6 से 8 के लिए भी वो सिस्टम रहेगा, जो हम परख लेंगे, प्रथम परख लेंगे, द्वितीय परख लेंगे, अर्धवार्षिक लेंगे, उन सभी की प्रविष्टि हमें शाला दर्पण पर करनी है, और जो आर के एस एम बी के आकलन होगा हमारा वो आर के एस एम बी के ऐप के माध्यम से होगा। जब दोनों का डेटा शाला दर्पण ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा और विद्यार्थियों का होलिस्टिक कार्ड जनरेट हो जाएगा, और तृतीय भाषा जो आपको यहाँ बताई जा रही है, तृतीय भाषा और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के जो आप विद्यार्थियों को अंक देंगे या ग्रेडिंग देंगे उसकी प्रविष्टि भी आपको शाला दर्पण पर करनी है। और यहाँ आपको क्लियर कर दिया गया है जहां से ऐप इनका डेटा लेगा, जिससे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। आपको ऐप ऑटोमेटिक जो पिछले सत्र में जिस तरह से होलिस्टिक कार्ड विद्यार्थियों के जनरेट हुए थे उसी तरह ऐप पर विद्यार्थियों के होलिस्टिक कार्ड जनरेट हो जाएंगे। मतलब आपका कार्य आसान हो जाएगा, सिर्फ आपको शाला दर्पण पर क्या करना है, जो हमारी तृतीय भाषा है या अन्य सब्जेक्ट है जैसे सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, इनके अंकों की और ऐसे के अंकों की प्रविष्टि कर देनी है, और ऐप पर जो आर के एस एम बी के आकलन की प्रविष्टि ऑटोमेटिकली हम जब सीट को जो है स्कैन करेंगे, जो पत्रक हमें दिया जाएगा वो उसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐप उसकी काउंटिंग कर लेगा और विद्यार्थियों का होलिस्टिक कार्ड जनरेट कर देगा। तो ये था साथियों आदेश,
जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया था। इसमें हमें जो आकलन विद्यार्थियों के लेने हैं, सत्र पर्यंत जो आकलन हमारे होंगे उनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस आदेश में क्लियर कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।